चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? सभी ने बोल दिया नहीं सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं अगला पॉइंट करने जा रहा हूं। कुछ बच्चों का ये भी सवाल आया, सर सेलिंग प्राइस कहाँ है? देखो ये मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा बताया, यहां सेल्स को ही सेलिंग प्राइस मानेंगे, मैं इसलिए बता रहा था। अब मैं ना सेल्स को रिड्यूस करूंगा, सेल मतलब क्या कर रहा हूं, मैं सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरा सेल्स रिड्यूस हो जाएगा। क्या वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा रिड्यूस होगा यहाँ पे? जवाब दीजिए मुझे। मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ, अगले पेज पे आ जाता हूँ। मेरा सेल्स था सर, सेल्स कितने का था? 2 लाख का। और वेरिएबल कॉस्ट कितने का था? 1,20,000। एफसी कितने का था सर? 30,000 का। तो मैं निकालने वाला हूं यहां पे क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट बनाओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या था सर? ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, पीवीआर इंटू में 100। तो सर इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट तो 30 है, लेकिन अगेन अब पीवीआर चाहिए। अब यहां समस्या आ जाता है आपको, पीवीआर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप बोलते सर सेल्स क्या होगा, मैंने बोला सेल्स को रिड्यूस करो कितने परसेंट से, 10% से रिड्यूस करो। तो यहां पे सेल सेलिंग प्राइस का रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ सेल्स रिड्यूस हो जाएगा, और सेल्स रिड्यूस होने का मतलब हो जाएगा हमारा 1,80,000, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा। अगर मैं ये कहानी आपको नहीं समझाता तो जरूर पूछते सर सेल्स रिड्यूस हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं रिड्यूस हुआ। उसका जवाब यहाँ पे है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारा सेलिंग प्राइस डाउन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल दिया सर, कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन है हमारा 60,000, और यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू में 100, 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80 इंटू में 100, 33%, 0.333, 1/3 जो मर्जी बोल लो आप, यहां पे मैं कर देता हूं 33.333 इंटू में 100। तो सर 30,000 डिवाइडेड बाय 33, और कैलकुलेटर में पूरा करना है आपने इंटू में, तो आपका एग्जैक्ट डिजिट आ जाएगा। तो सर अगर आप अब 90,000 रुपये के सामान बेचोगे ना, अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हो, तब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। इसका आप जैसे मैंने प्रूफ किया था, आप प्रूफ करके उस काम को कर सकते हो, इसका आप जैसे मैंने प्रूफ किया था प्रूफ करके कर सकते हो। क्लियर है यहां तक किसी को दिक्कत? बच्चे कह रहे हैं सर सेलिंग प्राइस 100 भी ले सकते हैं, 100 लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, आप लेके यूनिट, बाकी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे। मेरा मेन एजेंडा है कि आपके मन में एक सवाल आ जाता, जो मुझे लगता है जिसके नहीं आया बहुत अच्छी बात है, कि सर वेरिएबल कॉस्ट सेल तो डाउन कर दिया, तो अगर हमारा सेल्स कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगा। बच्चे ये क्वेश्चन रेज करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेल्स डाउन नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस डाउन हुआ है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है यहां तक क्लियर? चलिए एक और सवाल पे, ये पॉइंट नंबर था हमारा सेकंड, सेकंड के बाद आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड बोलता है सर ब्रेक इवन वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दो। ठीक है सर, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दो, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर दो आप। तो सर पॉइंट नंबर थ्री, सर सेल्स हमारा फिर से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का वही फॉर्मूला रहेगा जो साइड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इनटू में 100। सर फिक्स कॉस्ट कितने का है? 30। पीवीआर निकालना पड़ेगा, पीवीआर के लिए क्या चाहिए? सेल्स, पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस में वीसी। सर सेल्स क्या है? सेल्स में कोई बदलाव नहीं है, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, कहा सर वेरिएबल कॉस्ट कम करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट को जब आप इंक्रीज करोगे तो अब आपका वेरिएबल कॉस्ट 1,20 नहीं आएगा, कितना
कितने परसेंट इंक्रीज करना है सर? 10%, यानी सर वेरिएबल कॉस्ट अब आएगा आपका 1,32,000, यानी 12,000 रुपए इंक्रीज होके आएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा हमारे रिजल्ट में? कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 68,000। अब हम यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे, एक मिनट, फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे सर, क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 68 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू में 100, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या आएगा? 68 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू में 100, 34%। तो ये जवाब आ गया 34%। अब यहां रखते हैं 34 इंटू में 100, तो सर 30,000 डिवाइडेड बाय 34 इंटू में 100, तो ये जवाब आ गया सर, जवाब आ गया 88,235। दैट्स इट। ये था पॉइंट नंबर हमारा 3, सी कह लो, 3 कह लो, जो भी दे रखा था ये पॉइंट था। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट है। क्या कहता है यहां पे सर? यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, अगर फिक्स कॉस्ट ही बढ़ जाए, अगर फिक्स कॉस्ट ही बढ़ जाए 10%, तो अगेन ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो लगाते आए, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू सेल्स, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR इंटू में 100। सर फिर से आपको PVR चाहिए, और PVR क्या कहता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर अगर आपको PVR निकाल लिया आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स कर लिया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पहले निकाल लीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, सेल्स माइनस में वेरिएबल, तो 1,20,000 है, तो डायरेक्टली आ गया ये कितना सर? 80,000। और अब अगर PVR निकाले तो कितना आएगा हमारा? पहले ही निकाल रखा था हमने वैसे, 80,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू में 100, दैट इज 40%। क्या आ गया ये? 40%। चलिए फिक्स कॉस्ट अब आपको रिड्यूस करना है ना, इंक्रीज था रिड्यूस था, इंक्रीज 10%, तो अब 30 की जगह पे आप लोगे 33,000, 10% बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट 30 का था, 10% प्लस कर दो, तो 33,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, इंटू में 100, 33,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100 आपका आएगा 82,500। चलिए सर हमसे बात थोड़ी, चलिए क्लियर है यहां तक? देखिए आपका तीनों पॉइंट, यानी यहां पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी खत्म हो जाता है, ब्रेक इवन चार्ट खत्म नहीं होता, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट खत्म होता है। कोई डाउट है तो इसमें बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। डाउट है तो बताइए, इसमें कमेंट में लिख के बताइए। नहीं, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है यहां? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यानी सर आपको एक यूनिट का प्राइस बताना है।
आपको ब्रेक इवन पॉइंट बी ब्रॉट डाउन टू 90,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कहने का मतलब है सर, हमारे पास एक पुराना ब्रेक इवन पॉइंट निकल सकता है। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के टर्म्स में निकालना है। यूनिट पे काम चल रहा है यहां, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के टर्म्स में क्या फॉर्मूला था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, है ना। फिक्स कॉस्ट कितने है सवाल में? सवाल में फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 27,000, 270,000। सीपीयू क्या होगा आपका? सीपीयू इज इक्वल टू सेल्स माइनस वीसी। सेल्स माइनस वीसी, सर सेल्स क्या है? सेल्स दे रखा है आपको 100 रुपए और माइनस में आपका 75, दैट इज आपका 25। तो यहां पे अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा डिवाइडेड बाय 25? 10,800। पहले तो बताइए ये 10,800 क्या निकला है? दैट्स 10,800 क्या निकला है? ये ब्रेक इवन पॉइंट निकला है। और सर ये कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है? पुराना है, ये ओल्ड है, ओल्ड है। अब एग्जामिनर चाहता है कि हमें अपने ब्रेक इवन पॉइंट को खींच के कहां ले आए? 9,000 पे। यानी एग्जामिनर कह रहा है भैया मैं आपको बता रहा हूं न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कितना हो जाए आपका? 9,000। तो सर आपका 10,000 ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि आप 10, ये यूनिट है, रुपीस नहीं है, कि आप 10,800 यूनिट बेचोगे तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और वो चाहता है आप 9,000 यूनिट बेचो और नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो सीधी सीधी बात है, आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि आप एक यूनिट है, 5,000 यूनिट पे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, मैंने बोला 4,000 पे भी वही प्रॉफिट कमा के दिखाओ आप, तो आप कैसे कमा सकते हो? आपको अपना सामान महंगा करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तो इसलिए सवाल में पूछा गया कि बताइए सेलिंग प्राइस नए वाला क्या होगा? पुराने वाला तो हम बता रहे हैं आपको 100 है, जब आप इसको यहां लेके आओगे तो नए वाला क्या होगा? तो बड़ी सीधी सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ओपन कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। सीपीयू यही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 9,000। फिक्स कॉस्ट कितने का था? 270। सीपीयू नहीं पता। सीपीयू क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें सेल्स ही नहीं पता नए वाला। नए वाला जब सेल्स नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट तो पता ही है, अगर हमें नए वाला सेल्स नहीं पता तो डेफिनेटली हम सीपीयू नहीं निकाल सकते। तो यहां से सीपीयू तो निकाला जा सकता है। सीपीयू क्या होगा सर? सीपीयू इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो 270 डिवाइडेड बाय 9000 30 रुपए का। यानी सीपीयू कितना आ गया? 30 रुपए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये चैप्टर ना इतना आसान है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है। और जो मैं तरीका अपना रहा हूं, हो सकता है कि आप इसी क्वेश्चन को अपने तरीके से दूसरे तरीके से कर लो। यानी एक सवाल को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आंसर सबका सेम ही रहेगा। अब सीपीयू क्या होता है हमारा? सीपीयू का फॉर्मूला कहता है कि सेल्स माइनस में वीसी, यही कहता है। अब सीपीयू पता है कितना है? 30। सेल्स नहीं पता, एक्स मान लो। वीसी पता है, वीसी कितना है? 75। तो आप इधर ऐड कर दोगे तो कितना होगा सर? 105। यानी सर एक्स सेल्स निकल गया 105। तो देखो सवाल में जरूरी नहीं है कि ब्रेक इवन पॉइंट पूछे, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप प्रूफ करना चाहते हो ना, तो 105 रुपए के हिसाब से सामान को बेच दो आप। 105 रुपए के हिसाब से 9,000 को बेचो और लास्ट में देखना आपका प्रॉफिट क्या आएगा, 0 आ जाएगा उस सिचुएशन में। बच्चों ने बता भी दिया था कि सर 105 होगा सेलिंग प्राइस, क्लियर। ऑल्दो हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे सवाल, लेकिन पहले वाली चीजों को मैं हटा के शुरू से करवा रहा हूं सारी चीजें। यस 945 कह रहे हैं सर, 945 का आएगा। 105 इंटू में 90,000 9,000, बिल्कुल 945 का सेल आएगा। और माइनस में वीसी क्या आ जाएगा सर? वीसी आ जाएगा 75 इंटू में 9,000 6 और 945, तो आप देखेंगे तो बिल्कुल 0 आ रहा है, हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया।
ठीक है, चलिए एक और सवाल।